नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एग्जाम पाथ फाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अपडेट लेकर आई हूँ और ये जो अपडेट है वो ESIC यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा घोषित की गई है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जैसा कि थंबनेल में देखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट की वैकेंसी आई है और ये जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे होगी। तो गाइज, इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे जब नीचे आओगे तो आप देख सकते हो हमारे अटैचमेंट सेक्शन में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अटैचमेंट है जो कि है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। गाइज, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिकली वो नोटिफिकेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने कैंडिडेट्स के लिए ड्राफ्ट कर, जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस डाउनलोड बटन को यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। आप देख सकते हो ये टीचिंग फैकल्टी के लिए वैकेंसी निकली है और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट की वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए जो ये रिक्रूटमेंट निकली है कि जो रिक्रूटमेंट है वो दो जगह से होने वाली है और वो है ESIC PGIMSR और ESIC मेडिकल कॉलेजेस। इसी के साथ ही जब आप यहाँ पे नीचे आओगे आप देख सकते हो यहाँ पे वैकेंसीज जो है टोटल 491 वैकेंसी की यहाँ पे घोषणा की गई है। UR यानी कि अनरिजर्व में 197, EWS में 45, OBC में 126, ST में 41 और SC में 82। और साथ ही इसमें कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी है जो जिसे इंक्लूड किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे इनके डिफरेंट सिंबल्स बनाए गए हैं और यहाँ पे नंबर्स के बाद यहाँ पे इन सिंबल्स को डाला गया है। EWS में कोई भी बैकलॉग वैकेंसी नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी में भी कोई भी बैकलॉग वैकेंसी नहीं है। इसी के साथ जब आप यहाँ पे नीचे आओगे तो बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो इनके लिए पे मैट्रिक्स फिक्स की गई है वो 11th पे मैट्रिक्स फिक्स की गई है। और ये जो 11th पे मैट्रिक्स है वो हर पोस्ट के लिए सेम है। आप देख सकते हो 11th पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो आपकी पे रेंज होगी वो 67,700 से लेकर 2,87,000 तक की होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में मैंशनड है कि आपको ये एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड के द्वारा फिलअप करना है और ऑफलाइन मोड में ही आपको यहाँ पे दिए गए इस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। तो ये जो एड्रेस है वो है द रीजनल डायरेक्टर ESI कॉरपोरेशन, पंचदीप भवन, सेक्टर 16, नियर लक्ष्मी नगर मंदिर, फरीदाबाद 12102, हरियाणा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो इनके लिए लास्ट डेट दी गई है, इस एप्लीकेशन के लिए जो लास्ट डेट दी गई है वो है 18 जुलाई 2022 यानी कि 18 जुलाई 2022। और इनके लिए यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई है, कुछ स्टेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे स्पेशल डेट्स भी मेंशन की गई है। और वो जो कुछ स्टेट्स हैं जिनके लिए यहाँ पे स्पेशल डेट्स मेंशन की गई है वो है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल, स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पंगी सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख, आंदमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। जो भी कैंडिडेट दिए गए इन प्लेसेस से बिलोंग करते हो उनके लिए यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो है 25 जुलाई 2022 तक की यानी कि 25th जुलाई 2022। तो गाइज, नॉर्मल जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन को रिसीव करने के लिए वो है 18 जुलाई 2022, लेकिन जो कैंडिडेट्स मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, स्पीति और बाकी जो यूनियन टेरिटरी है जैसे कि लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऐसे जो भी कैंडिडेट्स इन जगह से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो यहाँ पे लास्ट डेट है वो है 25 जुलाई 2022 तक की। गाइस, इसी के साथ मैं आपको बता दूं इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो टोटली इंटरव्यू पे बेस्ड होने वाली है। तो गाइस, इसके लिए जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पे की जाएगी। और आपकी सुविधा के लिए सेम नोटिफिकेशन में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके लिए अटैच की गई है। यहाँ पे आपको अपने रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाने हैं और यहाँ पे आपको अपने सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन करने हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपके हेल्प के लिए पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्सप्लेन कर दी है। बट स्टिल अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है या कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने बाकी फेलो कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना चाहते हो या कुछ भी आप उनके साथ डिस्कस करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस डिस्कस बटन पर टैप करते हो तो आप हमारी कम्युनिटी पे आते हो। इस कम्युनिटी पे आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे आपके लिए एक राइटर रिप्लाई का सेक्शन है। इस राइटर रिप्लाई के सेक्शन में जब आप अपने डाउट्स, क्वेरीज या कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करोगे तो वो आपके बाकी फेलो कैंडिडेट्स भी उनमें रिप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज मेंशन कर सकते हैं, उनके पास अगर कोई क्वेरीज है तो वो भी अपनी क्वेरीज यहाँ पे पूछ सकते हैं। आपके हेल्प के लिए मैं हमारे इस कम्युनिटी फोरम की जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड
अगर एंड गाइज अगर आपको हमारा ये इवेंट अपने बाकी फेलो कैंडिडेट्स या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर इस शेयर बटन को प्रेस करके डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से सारे अपडेट्स चाहिए तो आप यहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आगे के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। एंड आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। ऐसे अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।